हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ भाग्यश्री वानखेड़े फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर। वेलकम्स यू ऑल फॉर द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द यूनिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और डेटा कन्वर्टर्स, एंड द टॉपिक इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। दिस टॉपिक इज बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट डिजिटल टेक्निक एंड द कोड इज 22320। So the course outcome means after completion of this unit, what we are going to achieve. The course outcome related to this topic or this unit is test data converters and PLDs in digital electronic system. Now the learning outcome means after completion of this topic number 1, we will be able to understand the meaning of data converter and its need. Next, we will be able to understand the types of data converter. Now, the introduction about this topic, that is why we need data converters and what is the meaning of data converters. अब हमें सब लोगों को पता है कि डेटा दो टाइप के होते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो बहुत बार हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये पता है कि एनालॉग जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस सिग्नल होता है और डिजिटल जो क्वांटिटी होती है वो डिस्क्रीट होती है, यानी तोड़ तोड़ के। डिस्क्रीट का मतलब सेपरेटेड फॉर्म में होती है, या उसको कोड में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे बाइनरी या बीसीडी नंबर्स में। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो एनालॉग वैल्यूज़ होती है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, लाइट हुआ, साउंड इंटेंसिटी, पोजीशन, रोटेशन, स्पीड, ये जो है ये एनालॉग क्वांटिटी के एग्जांपल है। और इसको हमको लॉन्ग डिस्टेंस अगर भेजना है तो ये हम भेज नहीं पाते, इसलिए सबसे पहले इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और बाद में उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, सो दैट हम स्पीड में उस डेटा को भेज सकते हैं। सो नेसेसिटी ऑफ कन्वर्टर्स, व्हेन अ फिजिकल प्रोसेस इज मॉनिटर और कंट्रोल बाय अ डिजिटल सिस्टम सच एज डिजिटल कंप्यूटर, द फिजिकल वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हमने बताया है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये पहले हमको कन्वर्ट करने पड़ते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बाय यूजिंग ट्रांसड्यूसर्स। तो ये जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, एंड देन दीज इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स बाय यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, दैट इज ADC। तो अगर ADC एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है तो उसी टाइप से हमारे पास वापस उस सिग्नल को रिकवर करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल भी होना ज़रूरी है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स भी चाहिए। सो ये जो डिजिटल सिग्नल्स है आर प्रोसेस्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर एंड द आउटपुट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल, यानी वापस इस डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प की वजह से, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स की वजह से। द आउटपुट ऑफ DAC इज मॉडिफाइड बाय एन एक्चुएटर एंड द आउटपुट ऑफ एक्चुएटर इज अप्लाइड एज द कंट्रोल वेरिएबल, यानी किसी सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उस तौर पे इस सिग्नल को हम वापस यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इंटरफेसिंग डायग्राम, इन दिस डायग्राम यू विल बी वेरी विच क्लियर विद द कनेक्शन ऑफ ADC एंड DAC, मतलब पोजिशन कहाँ कहाँ होते हैं। ADC का मतलब आपको पता है एनालॉग टू डिजिटल, यानी उसका इनपुट जो है वो फिजिकल वेरिएबल होना चाहिए, फिजिकल वेरिएबल यानी टेम्परेचर, प्रेशर। तो इस फिजिकल वेरिएबल को हम ट्रांसड्यूसर से सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नथिंग बट योर एनालॉग सिग्नल। उसके बाद में एक एनालॉग सिग्नल को हमको कितने बिट्स में कन्वर्ट करना है सो दैट दैट सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल। तो ये टेक्निक हम इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द एनालॉग इनटू डिजिटल। तो नंबर ऑफ बिट्स में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये जो नंबर ऑफ बिट्स है ये कोई एक डिजिटल जो सिस्टम रहेगा उसको ऑपरेट करने के लिए यूज़ होगा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम का इनपुट डिजिटल ही होना चाहिए, है ना, इसलिए इस यहाँ पे डिजिटल इनपुट आएगा। अब डिजिटल सिस्टम का आउटपुट भी डिजिटल ही रहेगा, सो इसका मतलब, लेकिन हमें
टेम्परेचर का वापस टेम्परेचर ही कन्वर्ट करके चाहिए तो ये डिजिटल सिस्टम कोई काम का नहीं है। इस डिजिटल को वापस हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाया गया है सो दैट हम वापस उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर हम इस कंट्रोल सिग्नल को आउटपुट में भेजेंगे। अब हमें ADC और DAC की ज़रूरत क्यों है, वाई दिस इंटरमीडिएट टर्म इज यूज हियर, सिर्फ फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम ये सारे सिस्टम करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्टर्स, द मेनली देयर आर टू टाइप्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, दैट इज ADC, और दूसरा होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, दैट इज DAC। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी ADC के इतने सारे टाइप्स है, काउंटर टाइप, ट्रैकिंग टाइप, फ्लैश टाइप, सिंगल स्लोप, ड्यूअल स्लोप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के मेनली देर आर टू टाइप्स एंड दीज टू टाइप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम इज कंसर्न। सो R2 आर लैडर टाइप एंड वेटेड रजिस्टर, दैट इज बाइनरी वेटेड रजिस्टर्स, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ADC में आपके इतने सारे टाइप्स हैं और DAC के आपके दो ही टाइप्स हैं, वो भी R2 और लैडर और वेटेड रजिस्टर। ये जो क्वेश्चन है कभी कभी 2 मार्क के लिए सिर्फ ये 2 नाम लिखने के लिए भी आता है, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, अब बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग पहला हम ये पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें से दोनों टाइप हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पहला एक टाइप पढ़ेंगे, बाइनरी वेटेड रजिस्टर। सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, बेसिकली DA कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन अ डिजिटल कोड सच एज स्ट्रेट बाइनरी और BCD इनटू अ वोल्टेज और करंट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिजिटल वैल्यू। यानी अभी आपको समझ में आया कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का मतलब है कि अगर कोई नंबर बाइनरी में दिया गया है तो उसको हम एनालॉग फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। सो हियर इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम, दिस ब्लॉक रिप्रेजेंट DAC, है ना, इसके अंदर बहुत सारा बड़ा सर्किट हो सकता है लेकिन जनरल ब्लॉक डायग्राम इज गिवन लाइक दिस, दिस इज DAC, DAC का इनपुट क्या रहेगा, डिजिटल इनपुट इज देयर। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 4 बिट बाइनरी नंबर ही लिया है और इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको, एनालॉग वोल्टेज। अब हमको डिटेल्स में देखना है कि ये DAC की डायग्राम कैसी होती है। सो यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ द डिजिटल इनपुट ABCD कैन अज्यूम अ वैल्यू 0 और 1। अभी हमको पता है कि ABCD ये चारों डिजिटल वैल्यू है, बाइनरी डेटा है, बाइनरी डेटा की वैल्यू हमेशा 0 या तो फिर 1 हो सकता है। देयरफॉर देयर आर 2 to the power 4 यानी 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एज वी हैव यूज हियर ओनली 4 बिट्स, 4 बिट लिए हैं तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0000 से लेके 1111 तक। यह आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो यूनिट नंबर 1 में। द DA कन्वर्टर आउटपुट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज Vout इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट बाइनरी नंबर, दैट इज एनालॉग आउटपुट। यानी ये वाला जो एनालॉग आउटपुट आएगा ये K into डिजिटल इनपुट रहेगा। अब K जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और फैक्टर, अब उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट डेरिवेशन में हम देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ DAC एज ऑलरेडी डिस्कस, वेटेड रजिस्टर DAC एंड R2R लैडर टाइप DAC। सो बाइनरी वेटेड रजिस्टर DAC का मतलब क्या होता है, इसमें एक समिंग ऑपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जो कि बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का एंड सर्किट्स का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत आसान चीज़ है कि उनको ओपैम ये फैमिलियर है, लेकिन जो कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा स्टडी करना ज़रूरी है। लेकिन आप डायग्राम देखने के बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो पूरा डेरिवेशन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल ये सब्जेक्ट एक पढ़ चुके हैं। सो यूटिलाइजेस अ समिंग ओपैम सर्किट, वेटेड रजिस्टर आर यूज टू डिस्टिंग्विश ईच बिट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट टू द लिस्ट सिग्निफिकेंट, यानी हर बिट ये एक दूसरे से अलग रहेगा। वेटेड इसीलिए कहा गया है कि MSB और LSB से उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। और फिर एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है जो कि स्विच के तौर पे यूज़ हो रहा है वी रेफरेंस और ग्राउंड के बीच में, यानी हाई एंड लो प्रोसेस के लिए। नाउ दिस इज़ द सिंपल डायग्राम फॉर 4 बिट DAC, है ना, 4 बिट है
D0, D1, D2 एंड D3। अब आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हो, दिस इज द ओपैम। ओपैम इज ऑलवेज यूज इन अ इन्वर्टिंग मैनर। इन्वर्टिंग इसका मतलब आउटपुट का कुछ पार्ट वापस किया गया है इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी निगेटिव टर्मिनल पे, और पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंडेड किया है। दैट्स वाई दिस कॉन्फिगरेशन इज नोन एज इन्वर्टिंग। और इन्वर्टिंग का मतलब दूसरा एक मीनिंग ये है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही हम सारा इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहा गया है। एम्पलीफायर क्यों बन रहा है, ये आउटपुट का पार्ट वापस निगेटिव पे आ रहा है और हमने सारे इनपुट्स ये इन्वर्टिंग पे दिया है, इसलिए इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे चार ही बिट हमने यूज़ किए हैं एंड दिस इज़ द कॉन्फिगरेशन। अब आर की वैल्यू देखिए, आप पहला जो D3 के साथ कनेक्ट किया है यानी हाईएस्ट बिट के साथ, MSB के साथ हमेशा लोअर वैल्यू R, फिर उसका डबल 2R, फिर 4R, फिर 8R। यानी सिंपल हम कंसेप्ट लगा सकते हैं कि 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। अगर यही 5 बिट का होगा तो यहाँ पे 5वां बिट भी आएगा नीचे में, है ना, यानी MSB के साथ में 5वां बिट भी आएगा एक, तो वहाँ पे R रहेगा, फिर नेक्स्ट 2R, फिर 4R, फिर 8R, फिर 16R। यानी 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, फिर 3, फिर 4, है ना, यानी 0 से लेके 4 तक हमें जाना है। सो इट डिपेंड्स ऑन बिट्स। अब देखिए ये जो डायग्राम है ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डायग्राम है, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग में हमेशा क्या होता है, एक फीडबैक रेजिस्टर होता है RF और एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है R1, और इनपुट कहाँ दिया रहता है, वी इन पे। तो हमेशा आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, माइनस RF अपॉन R1 इनटू दिस वी इन, यानी फीडबैक रेजिस्टर अपॉन दिस R1 इनटू दिस वी इन। और साइन हमेशा कौन सा रहता है, इन्वर्टिंग का, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज़ अ इन्वर्टिंग मोड। तो अभी आपको समझ में आया कि हमेशा V0 का जो इक्वेशन रहेगा वो RF बाय R1 इंटू दिस वी इन और साइन रहेगा माइनस। लेकिन अब अगर V0 की मुझे अलग टाइप से वैल्यू निकालनी है तो मैं V0 को अलग वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V0 की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है V0 इज़ नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस RF, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस RF कैसे निकाला जाता है, RF इनटू दिस IF, RF इनटू दिस करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, तो RF इनटू IF। लेकिन IF की वैल्यू ही IIN है, IIN यानी यहाँ से आने वाला करंट, क्योंकि IIN जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक IF में और एक यहाँ पे IB में। तो बेस करंट जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो, वेरी वेरी निग्लेक्टिंग करंट, बहुत ही कम करंट होता है, इसीलिए IIN इज़ ऑलवेज इक्वल टू IF। तो यहाँ पे देखिए V0 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, RF इंटू IIN, RF इंटू IIN, और साइन हमेशा नेगेटिव देना है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा हम डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम इस बाइनरी डेटा को D0, D1, D2, D3, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1010, है ना, या 1111, या 0010, कुछ भी हो सकता है। तो ये बाइनरी डेटा को हम कैसे आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 बिट बाइनरी डेटा दिया हुआ है और इसके लिए हमको डिराइव करना है, हमको पता है V0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा RF इंटू IIN। तो यहाँ पे देखिए RF इंटू IIN और साइन है माइनस। अब IIN को देखिए आप, इनपुट करंट है, लेकिन इनपुट करंट जो है ये 4 ब्रांचेस में से आ रहा है यहाँ पे, यानी I1, I2, I3 और I4। और आपको पता है KCL, आप जो करंट लॉ यूज़ करते हो कि एट एनी पर्टिकुलर नोड इनकमिंग करंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट है I1, I2, I3, I4, इन सभी का सम क्या हो जाएगा, IIN। तो यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये हो गया IIN की वैल्यू। तो ये हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में हमने क्या रख दिया अभी, V0 इज इक्वल टू माइनस IIN के जगह पे क्या रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और इनटू दिस RF। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अभी ये हो गया हमारा V0 का इक्वेशन, लेकिन हमको पता है कि I1 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, D3 माइनस V1 अपॉन R,
आई टू की वैल्यू कह दी है डी टू माइनस वी वन अपॉन टू आर। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि कैसे निकाली जाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये इनपुट डी थ्री है और ये आर वन आर से जा रहा है और यहाँ का वोल्टेज कितना है वी वन। तो आर के अक्रॉस जो वैल्यू आने वाली है यानी करंट आने वाला है, वो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा वी बाय आर, वी बाय आर। तो इस आर के अक्रॉस, इस आर के अक्रॉस कौन सा करंट है आई वन, आई वन। तो आई वन की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो इन दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस यानी डी थ्री माइनस वी वन अपॉन आर, ये वैल्यू बन जाएंगी मेरी आई वन की। अगर मुझे आई टू की वैल्यू निकालनी है तो डी टू माइनस वी वन अपॉन टू आर, ये आई टू की वैल्यू बन जाएगी। अगर मुझे फोर आर की वैल्यू, आई थ्री की वैल्यू निकालनी है तो डी वन माइनस वी वन अपॉन फोर आर, और आई फोर की वैल्यू निकालनी है तो डी जीरो माइनस वी वन अपॉन एट आर। तो आप देखिए यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू निकाली है डी थ्री माइनस वी वन अपॉन आर, डी टू माइनस वी वन अपॉन टू आर, डी वन माइनस वी वन अपॉन फोर आर, डी जीरो माइनस वी वन अपॉन एट आर। अब हमको पता है कि ये सारा वी वन वी वन वी वन और यहाँ का वी वन, ये सभी वी वन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। अब वो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यानी जब जब किसी ओपैम का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर ग्राउंडेड है तो ऑटोमेटिकली उसका इन्वर्टिंग टर्मिनल भी ग्राउंड पे कंसिडर किया जाता है। यानी अगर ये वाले टर्मिनल की वैल्यू ज़ीरो है तो ये वाले टर्मिनल की वैल्यू भी कितनी होगी, ज़ीरो वोल्ट। इसका मतलब वी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे भी, ज़ीरो। इसीलिए हमने इस इक्वेशन में वी वन की वैल्यू ज़ीरो रखी। अब वी वन की वैल्यू ज़ीरो रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, आई वन इज इक्वल टू डी थ्री बाय आर, डी टू बाय टू आर, डी वन बाय फोर आर और डी ज़ीरो बाय एट आर। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं और इस आर को कॉमन निकालते हैं नीचे वाला आर, तो हमारा इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगा वी ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस डी थ्री बाय वन, डी टू बाय टू, डी वन बाय फोर, डी ज़ीरो बाय एट इन टू दिस आर एफ बाय आर। ठीक है, और इस टाइप से हम कोई भी इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर डी वन डी टू डी थ्री डी फोर की वैल्यू अगर हमें पता है कि 1010 है तो डी ज़ीरो की वैल्यू 1 लिखो, डी वन की वैल्यू 0, डी टू की वैल्यू 1 और यहाँ पे फिर से 0। तो 1010 वैल्यू लिखने के बाद ये फॉर्मूला कैलकुलेट करो, आर एफ और आर वन आर की वैल्यू गिवन रहेगी आप लोगों को इक्वेशन में, और इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट दिस डिजिटल डेटा इनटू दिस एनालॉग कन्वर्टर। तो एडवांटेजेस है बाइनरी टू बाइनरी वेटेड रजिस्टर के कि ये सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, फास्ट होता है कन्वर्जन। डिसएडवांटेज है कि दीज रिक्वायर्स लार्ज रेंज ऑफ रजिस्टर्स, है ना, विथ नेसेसरी हाई प्रिसीजन फॉर लो रजिस्टर। इट रिक्वायर्स लो स्विच रजिस्टेंस इन ट्रांजिस्टर, इट इज़ एक्सपेंसिव, सो देयर फॉर इट इज़ यूजअली लिमिटेड टू 8-bit रिजोल्यूशन, यानी 256 तक ही हम हमारे कॉम्बिनेशंस को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आर द COPO मैपिंग्स, एज ऑलरेडी डिस्कस, COPO मैपिंग का मतलब होता है कि हमारा कोर्स आउटकम हमारे प्रोग्राम आउटकम के साथ कितना मैच करता है। तो ये मैपिंग यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ द समरी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक वी केम टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेटा कन्वर्टर एंड इट्स नीड, हाउ वी कैन डिज़ाइन द बाइनरी वेटेड रजिस्टर बाई यूजिंग द ओपैम एंड रजिस्टर्स, एंड वॉट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइनरी वेटेड रजिस्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक डेटा कन्वर्टर्स विद आर टू आर डी ए सी। थैंक यू सो मच।